पीस कमेटी के जो सम्मानित मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, मीडिया के साथ ही आप सभी का स्वागत है पीस कमेटी की मीटिंग में। और पिछले विगत एक साथ मैं देख रहा हूँ कि पीस कमेटी की मीटिंग में हमारे जितने भी साथीगण आ रहे हैं, जिन बातों को कहते हैं उनको जमीन पर उतार भी रहे हैं, चाहे पिछले सालों में बकरी, मुहर्रम, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि हो या अभी हाल फिलहाल में होली, रामनवमी इत्यादि के त्यौहार बने, ईद मना, प्रतिबंधित पशु आ जाते हैं जिसको लेकर के जो नमाजी होते हैं उसमें नहीं है। मैं सभी लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि जो आपके क्षेत्र में उस मार्ग पर पड़ने वाले या उस क्षेत्र में जो सुअर पालक हैं उनको आप नोटिस एडवांस में दे दें कि उस दिन इन्हें वो अपने जो घर है ना फरमानी किया जाए तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें मैं अपने सभी जो हमारे आगामी त्यौहार को दृष्टिगत पीस कमेटी की बैठक की गई है, क्या आवश्यक दिशा निर्देश देंगे? आगामी समय में हमारे बकरीद से शुरू करके कई सारे त्यौहार आने वाले हैं। ईद के बाद तुरंत हमारा सावन माह शुरू होगा जिसको कांवड़ यात्रा कहेंगे। तो इसी के दृष्टिगत जनपद स्तरीय पीस कमेटी बैठक का आज आयोजन हुआ है। इसके पहले थानों में भी पीस कमेटी की बैठकें कर ली गई हैं। सभी लोगों से मेरा ये निवेदन रहा कि जिस तरह से भाईचारे के साथ अभी तक के सभी त्यौहार मनाए गए हैं जनपद में, उसी प्रकार से मिलजुल के सभी त्यौहार मनाएं। किसी भी प्रकार से किसी भी समुदाय की भावना आहत ना हो, बकरीद में जो कुर्बानियाँ हो रही है वो खुले में ना हो और उसका जो अवशेष का निस्तारण है वो भी सही तरीके से हो, जिससे कोई किसी प्रकार की हाइजीन की या किसी भावनाओं को आहत होने की कोई घटना सामने ना आए, कोई भी अफवाह ना फैलाए और जैसे पूर्व में आप सब करते आए वैसे ही हंसी खुशी के साथ सभी त्यौहार आप लोग सब मनाएं। मैम, नमाज के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से अदा की जाएगी? देखिए, नमाज के लिए जैसे व्यवस्था अभी चल रही है कि खुले में नमाज नहीं होनी है, जो हमारे चिन्हित स्थान है जैसे कि मस्जिद है, ईदगाह है, उन्हीं के अंदर होनी है। पालियों में नमाज को कराया जा सकता है। यदि प्रशासन की ओर से किसी सहयोग की आवश्यकता है तो वो भी सभी दिया जा रहा है। तो जिस प्रकार से व्यवस्था चली आ रही है उसी प्रकार से आगे चलेगी।